हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन दो टास्क के बारे में जो कि नेक्स्ट वीक में होंगे। देन ऑल्सो डोम सेशन के छोटे मोटे ड्रामास के बारे में भी बात करेंगे। उन दो टास्क के विनर्स कौन कौन होंगे एंड देन किसका नेक्स्ट वाले डोम से एलिमिनेशन हो जाएगा। देन उर्फी के पास में क्या पावर्स है, उर्फी कितने देर के लिए आएंगे वो भी डिस्कस करेंगे। पर इन सबसे पहले अगर आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। नेक्स्ट वाले वीक में ना सबसे पहले तो एक डोम सेशन होने वाला है। जिस डोम सेशन में तीन कपल सेफ साइड पर होंगे, दे आर जस्टिन साक्षी, हनी मूस, अकशलीना एंड कशिश। अकशलीना एंड कशिश सेफ साइड पर कैसे आ जाएंगे हम लोग ऑलरेडी इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। बाकी जितने भी कंटेस्टेंट्स होंगे ना, बाकी सब लोग अनसेफ साइड पर होने वाले हैं। देन उर्फी है ना, उनके हाथ में दो कार्ड्स रहेंगे। एक जो कार्ड रहेगा ना उसमें सिंपली पावर के बारे में लिखा होगा एंड देन जो दूसरा वाला कार्ड होगा ना उसमें पावर विद अ मिस्चीव होगा, जिसके चलते हो सकता है कि वो जिसको एलिमिनेट करना चाहे ना वो एलिमिनेट हो ही ना। बिकॉज नेक्स्ट वीक में तो आगाज, हीबा एंड देन श्रेया का एलिमिनेशन होने वाला है। पर एटलीस्ट हीबा और आगाज तो फ्रेंड्स हैं बाकी छह लोग के, जो लोग सेफ साइड पर हैं, क्योंकि कबड्डी वाले टास्क में भी आगाज ने कशिश की टीम से ही खेला था। एंड श्रेया भी कहीं ना कहीं अकशलीना और मूस दोनों की फ्रेंड है। उसके बाद भी इन तीन लोगों का एलिमिनेशन कैसे हो जाएगा यही ट्विस्ट होने वाला है। हो सकता है कि जिन लोगों के नाम लिखे जाए ना एलिमिनेट करने के लिए उनमें से कोई भी एलिमिनेट ना हो। देन जो तारा है ना वो काफी ज्यादा दुखी हो जाएंगे। देखो अभी ये वाले टास्क में साक्षी ने जस्टिन को सिलेक्ट करा था, उस बात से तारा उतने ज्यादा नाराज नहीं थे। पर अभी वो ये जो बोलते हुए दिख रहे हैं ना कि मेरा प्यार हार गया एंड तुम लोगों का गेम जीत गया, उसके पीछे और भी कोई रीजन हो सकता है। जैसे कि जब जस्टिन और साक्षी के हाथ में पावर आएगी ना कि वो किसी को सेव कर सकते हैं, तो वो तारा को सेव नहीं करेंगे, जिस वजह से तारा को काफी ज्यादा बुरा लगेगा। देन टास्क की बात करें ना तो जो पहला वाला टास्क है वो तो सब लोग परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। तो पहला वाला टास्क सबके बीच में होने वाला है। हो सकता है ये वाला टास्क दो टीम्स में परफॉर्म कराया जाए। देन उसके बाद में जो विनर्स होंगे ना वो लोग सेपरेटली परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट वाले डोम सेशन के लिए। जो पहला वाला टास्क होगा ना उसमें हामिद एंड सौंदस की टीम फॉर श्योर विनर होने वाली है। एंड देन वो लोग नेक्स्ट वाला टास्क परफॉर्म करेंगे ना तो उसमें भी मोस्ट प्रोबेबली जीत जाएंगे। देन उन्हें ये वाले डोम के बाद वाले डोम में और अकल के सामने जाने का मौका भी मिल सकता है। ऑल्सो एक जो पिक है ना जिसमें जोशवा कशिश दिख रहे हैं एंड ऑल्सो आराधना, तो उस पिक को देख के काफी लोगों को लग रहा है कि ये तीनों लोग एज ए वाइल्ड कार्ड एंट्री आ सकते हैं। पर अगर नेक्स्ट वीक आगाज का एलिमिनेशन हो गया ना एंड देन वो वाली पिक में आगाज भी दिख रहे हैं, तो फॉर श्योर ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि इन लोगों की वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली नहीं है। अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है ना तो इतने सारे लोगों की तो नहीं होगी, तो फिर जब फिनाले वाला वीक होगा ना ये लोग उसी टाइम पे वापस आएंगे मोस्ट प्रोबेबली। देन ऑल्सो कशिश और अकशलीना के बीच में जो भी डेट पर हुआ ना उसका एक्सप्लेनेशन कशिश ने ये दिया कि वो अकशलीना से हामिद और सौंदस के ग्रुप वाली बातें निकलवाना चाह रहे थे, जिस पे ना अकशलीना ने यह बोला है कि इफ यू वांट टू मेक अ गर्ल कंफर्टेबल तो ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है, प्लीज ये वाली चीज रियल लाइफ में ट्राई मत करना टू मेक एनी गर्ल कंफर्टेबल लाइक दिस। सो व्हाट्स योर से ऑन दिस टॉपिक, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड बाकी हमें अपकमिंग वीक की जो भी क्लैरिटी मिलेगी ना हम आपको अपडेट कर देंगे। एंड फॉर मोर अपडेट्स यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।